हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स ट्रेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीपल असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसीज से और जानेंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला नोटिफिकेशन आया है वो यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से आया है। तो यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट ओनली फॉर द सिलेक्शन ऑफ अंडर मेंशन पोस्ट इन यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ डिपार्टमेंट बॉटनी में है और जो पोस्ट है वो लेक्चरार की है और जो आपका एमोलूमेंट्स मिलेगा वो आपको मिलेगा 36,000 पर मंथ का और वैकेंसी यहाँ पे 2 है और ये जो अपॉइंटमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है 11 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है। एज की बात करें तो यहाँ पे आपका 40 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए और यहाँ पे अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में आपका पीजी डिग्री यानी कि मास्टर डिग्री बॉटनी में होना चाहिए या इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स और आपका नेट क्वालिफाई हुआ ना चाहिए या अगर आपने 2009 से पहले पीएचडी में रजिस्ट्रेशन किया है तो आपका जो पीएचडी डिग्री होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास नेट जो है कंपलसरी है। अगर हम बात करें यहाँ पर डिजायरेबल की, तो आपके पब्लिकेशंस होने चाहिए पीयर रिव्यूड इंटरनेशनल जर्नल्स में और आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो अगर आप जेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 225 रुपीज़, वहीं आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 120 रुपीज़ जो है आपको यहाँ पे करना है एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट मेंशन कर रखी है www.recruit.kelauniversity.ac.in, इस पर जाके आप जो है अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट डेट इन्होंने मेंशन कर रखी है 14 जुलाई 2021 शाम 5 PM तक। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ नोट दे रखे हैं कि जैसा कि आपका कुछ लाइक आपका ईमेल आईडी परमानेंट होना चाहिए, इसके अलावा जो है आपको अपने सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट जो हो वो सब आपको ओरिजिनली पब्लिक लाइक देने हैं जब आप जो है इंटरव्यू के टाइम पे जाएंगे, तो आपको आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको कोई भी हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी, आपको सिर्फ जो है सॉफ्ट कॉपी ही जो है वो सेंड कर देनी है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपका डिस्कस कर लिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया तिरुकोयलूर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में। यहाँ पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को यहाँ पर भी मांगा है। तो यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट है, यहाँ पे इंग्लिश, तमिल, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, तो यहाँ पे साइंस एज वेल एज जो है नॉन साइंस सब्जेक्ट भी यहाँ पे जो है इंक्लूडेड है। यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू डायरेक्टली, यहाँ पे आपको डायरेक्टली 16 जुलाई को 10 AM पे आपको डायरेक्टली पहुँचना है तिरुकोयलूर कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस में और आप यहाँ पे जो डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टीचिंग पोस्ट भी है, इसके अलावा जो नॉन टीचिंग पोस्ट है जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लैब असिस्टेंट, इनकी भी पोस्ट यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो आप इसके लिए भी अगर इंटरेस्टेड है तो इसके लिए भी अप्लाई आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है जया वंत शिक्षण प्रसारक मंडल पुणे में। तो यहाँ पे देखिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को लगाया गया है, मांगा गया है तो कॉमर्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, इंग्लिश, फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, बॉटनी। ठीक है, तो इन सब में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को मांगा गया है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस स्केल ऑफ पे अलाउवेंस जो है वो आपको जो है एज पर सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र नॉर्म्स अकॉर्डिंग आपको यहाँ दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है डून वैली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से। तो यहाँ पे देखिए जो है प्रिंसिपल एचओडी की वैकेंसीज को भी निकाला गया है, साथ ही साथ लैब असिस्टेंट की वैकेंसी, नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी को भी निकाला गया है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को भी यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए यहाँ पे निकाला गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है यहाँ पे अपना जो बायोडाटा है वो आपको सेंड कर देना अलॉन्ग विद योर अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट और 2 कलर फोटोग्राफ जो है वो आपको अलॉन्ग विद योर डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड कर देना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया है वो जाह्नवी डिग्री पीजी कॉलेज ऑफ एंड होटल मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे देखिए लेक्चरार की पोजीशन को निकाला गया, तो ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं चाहे वो अगर बायोटेक, जूलॉजी, बॉटनी, मास कम्युनिकेशन हो या इंग्लिश, इलेक्ट्रॉनिक, स्टैटिस्टिक, तो ऑलमोस्ट सबके लिए हमें वैकेंसीज को निकाला गया है। इसके अलावा यहाँ प्रिंसिपल्स की वैकेंसीज को भी यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जाह्नवी डिग्री पीजी कॉलेज एंड होटल मैनेजमेंट में, तो इसकी जो है मल्टीपल ब्रांचेज जैसे नारायणगुड़ा में, सिकंदराबाद में, बुड्डूपल में, तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपना बायोडाटा अलॉन्ग विद फोटो एंड जीरोस कॉपी जो है डॉक्यूमेंट का विद इन 7 डेज यू हैव टू सबमिट। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए इससे रिलेटेड तो आप यहाँ फोन नंबर मैंसन कर रखा है, आप इसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी क्वेरी ले सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है ओसवाल शिक्षण राहत सिंह संचालित से। तो यहाँ पे देखिए फैकल्टी रिक्वायर्ड फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर बीएससी जूलॉजी।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको बीएससी जूलॉजी क्लासेस लेनी पड़ेगी, बीएमएस, बीबीआई, एमकॉम, अकाउंटेंसी एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंडीशन दे रखी है, मास्टर डिग्री आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, आपका नेट होना चाहिए चाहे वो सीएसआर हो चाहे यूजीसी हो। इसके अलावा आपने 2009 से पहले अगर आपने जो है रजिस्ट्रेशन पीएचडी में किया है तो आपको यहाँ पे नेट की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है वीएसबी इंजीनियरिंग कॉलेज, करूर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोयम्बटोर में। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के लिए वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। अगर आपको सैलरी और क्वालिफिकेशन जो वो आपका एज पर आईसीटी नॉर्म्स रहेगा, यानी हाई सैलरी पैकेज दिया जाएगा डिजर्विंग कैंडिडेट्स, मीन्स अगर आपका पीएचडी या पोस्ट डॉक का एक्सपीरियंस है या आपके पास इंटरनेशनल रेपुटेड जर्नल्स में आपके आर्टिकल्स हैं, तब भी आपको यहाँ पे जो प्रेफरेंस दिया जाएगा और सैलरी भी आपको आपके क्वालिफिकेशन की बेस पे ही यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दे रखा है, ईमेल दे रखा है, तो आपको अपना बायोडाटा अलॉन्ग विद टेस्टिमोनियल जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओमेगा वुमेन डिग्री कॉलेज, मेगा वुमेन डिग्री कॉलेज, ओमेगा डिग्री कॉलेज के लिए। तो यहाँ पर भी देखिए प्रिंसिपल और लेक्चरर्स की वैकेंसीज को निकाला गया है। यहाँ पे कॉमर्स, जूलॉजी, न्यूट्रिशन, इंग्लिश, तेलुगु, तो इन सब के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसीज को लेक्चरर्स के लिए निकाला गया है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो आप इसके लिए भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, अलॉन्ग विद योर सीवी, टू फोटोग्राफ और आपका जो सर्टिफिकेट है और आपका बायोडाटा आपको सेंड कर देना है मेल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मेल आईडी तो ऑलरेडी मेंशन कर रखी है, तो आपको यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर देना है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया जेकेके मुनीरा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस से। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो है एग्रोनॉमी डिफरेंट डिपार्टमेंट दे रखी है और साथ ही नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी है, और यहाँ पे प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे सेपरेट जो है कॉलम दे रखा है। तो एग्रोनॉमी में आप देख सकते हैं वन पोस्ट है वन प्रोफेसर की और असिस्टेंट प्रोफेसर की नील पोस्ट है। वहीं यहाँ बात है प्लांट पैथोलॉजी की, तो यहाँ दो नंबर ऑफ पोस्ट है वन प्रोफेसर वन असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी यू शुड हैव पीएचडी इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम एस ए यू, सी ए यू, आई सी आर, गवर्नमेंट और अदर रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट विद और विदाउट नेट क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और आपका यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज में यहाँ पे जो है वो भी निकाला गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है गुरुकुला कांगरी डीम्ड यूनिवर्सिटी हरिद्वार से। तो यहाँ पे देखिए वैकेंसीज को निकाला गया, एक टाइप की गुरुकुला कांगरी जो है एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और अदर टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए निकाला गया है। ठीक है, वैकेंसीज को तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फी अगर आप SC ST PWD कैटेगरी के बिलोंग करते हैं फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट तो 400 और जनरल कैटेगरी के तो आपको 800 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा और 1200 जो फी है वो आपके टीचिंग पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी से। वहीं आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 600 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपना जो एप्लीकेशन वो डाउनलोड कर सकते हैं www.gkv.ac.in पे जाके, और यहाँ पे आपको अपने बायोडाटा अलोंग विद डैट आपके जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं या सर्टिफिकेट या प्री प्रिंट है आपके आर्टिकल्स के, तो वो सब जो है आपको सेंड कर देना है स्पीड पोस्ट के थ्रू बाय 31 जुलाई 2021। और यहाँ पे अगर बात करें मिनिमम एलिजिबिलिटी या पे लेवल रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे जो एज पर यूनिवर्सिटी वेबसाइट के अकॉर्डिंग या आपका UGC के अकॉर्डिंग जो भी आपका पे लेवल रहेगा वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।